फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। पीजीआई में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रीत। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। ये पंजाब में बहुत ही फेमस है और इसे सर्दियों में बनाया जाता है और ये बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमें चाहिए होगा सरसों के पत्ते, पालक और बथुआ, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हल्का भूनना है इसे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। हम इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर और इसे अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट तक इसे चलाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब डालेंगे बथुआ, पालक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ सरसों के पत्ते जो हमने बारीक काट लिए थे। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी पानी होता है। अब हम इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे ताकि हमारा साग अच्छे से पक जाए। हम इसे मीडियम आंच पे 30 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मक्की का आटा 1 कप। इसे बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए एक्चुअली ये करछी से मिक्स नहीं होता है तो हम विस्क की मदद ले लेंगे और इसे हम अच्छे से विस्क से मिक्स करेंगे 3 मिनट तक। तो ये पूरा प्रॉपरली अच्छे से साग एकदम रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है साग। हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। हम इसे 1 चम्मच घी या बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सरसों का साग मक्की की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है।